अकाल मृत्यु से बचना है। जीवन में भय है कि अकाल मृत्यु होने वाली है, तो छोटा सा उपाय है, उसे करके बचा जा सकता है। कहा जाता है कि जो ठाकुर जी का चरणामृत होता है उसे ग्रहण करने से अकाल मृत्यु भी टल जाती है, तो नित्य चरणामृत का सेवन करना चाहिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्मन विद्यते। ठाकुर जी का जो चरणामृत है उसे ग्रहण करने से अकाल मृत्यु तो टलती है, उसी के साथ शरीर के समस्त पाप समस्त रोग सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नित्य स्नान इत्यादि करने के बाद मंदिर में जाकर और ठाकुर जी का चरणामृत अवश्य लेना चाहिए। वो चरणामृत ऐसे लें कि हमारे हाथ से चरणामृत की बूंद नीचे न गिरे। इस प्रकार से चरणामृत ग्रहण करने से और चरणामृत के साथ इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्मन विद्यते। ऐसा स्मरण करें। अगर मंत्र आपको याद नहीं है तो आप भगवान विष्णु का नाम भी ले सकते हैं, केशवाय नमः केशवाय नमः इत्यादि। तो इस प्रकार से अगर चरणामृत ग्रहण किया जाता है तो सब पापों का नाश हो जाता है और अकाल मृत्यु भी टल जाती है। ऐसी चरणामृत की महिमा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा।